ये अवार्ड तो पहले ही बनाया ना, अवार्ड तो आपको वही तो सर, हम देखो अवार्ड में चार एक में नोटिस होती है, पांच में नोटिस होती है, सात में नोटिस होती है, नौ में नोटिस होती है, चार नोटिस मालिक को दी जाती है भैया आज देख लो। हमें कुछ नोटिस नोट्स हमें मिले हैं सर, मगर हमें पेमेंट नहीं बता दी गई कि मतलब आपकी पेमेंट कितनी बनी है। नोटिस का क्या मतलब होता है? नोटिस होता है आप सेटिस्फाई हो कि नहीं। सर फिर आपने क्यों कहा सेटिस्फाई है? कहना नहीं था उस वक्त, ऑब्जेक्शन करनी थी। सर अगर हम सेटिस्फाई होते तो अभी ये रोड मतलब हम क्यों मतलब लास्ट क्यों आते सर? इस वक्त लास्ट के टाइम पे आप अवार्ड होने के बाद जब रोड बेटर हो रही है इस वक्त आप बता रहे हैं, पहले हो जाते देखिए ऐसा है कि हमारा आरटीएस रोड जो है रजौरी से सुरनकोट तक है, इसमें लगभग हमारा 50% काम जो हमारी ज्यूरिसडिक्शन में है वो हमने लास्ट डिमोलिशन ड्राइव में कर दिया था, और लगभग इसमें 189 स्ट्रक्चर्स आ रहे थे, 189 में से हमारे लगभग 110 स्ट्रक्चर्स हमने लास्ट डिमोलिशन ड्राइव में तोड़ दिए थे। अभी हमारे बचे हुए कुछ 70 स्ट्रक्चर्स हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली हम कल सुबह तक हम ये कल शाम तक हम ये सारी डिमोलिश कर देंगे। लोगों का कोऑपरेशन बहुत है, लोग चाहते हैं कि रोड निकले, कुछ ग्रीवेंसेस लोगों की है, हमने कैंप लगाया है, और आपके ज़रिए से मैं लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप लोग खुद आएँ कैंप में, और अभी हम लोग यहां पे ये दो दिन हैं, आप अपना पेमेंट जो है 100% लें, क्योंकि पेमेंट लेने के बाद हम आपका स्ट्रक्चर फुली डिमोलिश कर सकते हैं। अदरवाइज़ भी अगर किसी का डिस्प्यूट है तो मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि एक हफ्ते के अंदर अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लें, एक हफ्ते के बाद हम नोटिस दे के आप लोगों का स्ट्रक्चर डिमोलिश करेंगे, या अगर आपका डिस्प्यूट भी है या कुछ भी है वो गवर्नमेंट नहीं देखेगी, क्योंकि रोड जो है हमारा बहुत प्रायोरिटी पे है, आप लोगों के लिए रोड है, लोगों को जल्दी अपना जो रिजॉल्व करना चाहिए सारे अपने जो भी लोगों के इश्यूज़ हैं इंटरनल वो रिजॉल्व करके हमें रोड निकालने दें। कुछ ही जगह पे प्रॉब्लम है, बाकी मोस्ट प्रोबेबली कल शाम तक हम ये क्लियर कर देंगे, और जैसे आपने देखा कि बीटी जो है रजौरी से थाना मंडी तक क्लियर हो गई है, दरभंगा कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है, अभी हम थाना मंडी तक पहुंच गए हैं, थाना मंडी के बाद कुछ ही स्ट्रच है जो हमारा ननियाल रोड पे जो मोड़ है और ये हिली टेरेन है थोड़ा सा, तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ टाइम में ये क्लियर हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से, हमारा एक इशू आ रहा है यहाँ पे कि रैना मौला बाईपास जो हमारा थाना मंडी को जो बाईपास कर रहा है टाउन को, लोग कोऑपरेट करें, देखिए रोड जो है उन्हीं के लिए निकल रहा है, हमने उस पर भी काम स्टार्ट कर लिया है, पैग मार्किंग हो रही है, कुछ दिनों में हम ये पोर्शन भी हम क्लियर कर लेंगे, और लोगों को मैं ये वहाँ के लोगों को मैं ये कहूँगा कि इसमें जो रोड जो अलाइनमेंट के हिसाब से निकल रही है अलाइनमेंट चेंज नहीं होगी, अलाइनमेंट जैसी है वैसी रहेगी, उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम अलाइनमेंट मेरे मोबाइल में है, वो कभी भी मेरे से ले सकते हैं अलाइनमेंट, देख सकते हैं कहाँ से लोड जा रही है, रोड हमेशा अलाइनमेंट के हिसाब से ही निकलेगी, उसमें एक इंच भी आगे पीछे नहीं होगा। जी जो हमारा ये मनियाल वाला स्ट्रेच है, पहले इसकी बात करूं अगर मैं हमारी रजौरी थाना मंडी सुरनकोट रोड की, तो यहाँ पे मैं खुद बहुत बार कुछ 10-20 बार तो मैंने ही चक्कर लगा के जितना हो सकता है लोगों की जो भी ग्रीवेंसीज हैं उनको हल करने की कोशिश की है। आज भी हमने यही कोशिश की, क्योंकि लोगों की सबसे ज़्यादा जो एक कंप्लेंट रहती थी वो ये रहती थी कि मुआवजा हमें नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हमने यही किया कि आज हमारा कैंप जो है यहीं पर हमने लगा दिया ताकि जो लोगों को है वो मुआवजा मिल जाएगा। तो कोशिश हमारी यही है कि जो हमारी ये जो हमारी थाना मंडी की ज्यूरिसडिक्शन में जो हमारी रजौरी थाना मंडी सुरनकोट रोड आ रही है ये हम पूरी की पूरी कंप्लीट करें। एक हमारा जो, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं जैसे हमारे थाना मंडी जो टाउन है वहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, तो उसका हल वही है कि थाना मंडी बाईपास है जिसकी पैग मार्किंग हमने स्टार्ट कर दी है, अलाइनमेंट ऑलरेडी क्लियर है, DPR बहुत पहले आज से कुछ 4-5 साल पहले उसकी DPR बनी है, DPR के अकॉर्डिंग हम पैग मार्किंग कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि 1-2 दिन में हम रजौरी थाना मंडी जो हमारा बाईपास है उसका काम भी स्टार्ट कर देंगे। वेलकम टू द फटर्निटी ऑफ DPS। DPS बारामुला ओपन्स इट्स एडमिशंस। यू आर वेलकम टू एंजॉय अ ग्लोबल आइडेंटिटी फॉर यू। DPS इज द वर्ल्ड लीडर इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। जॉइन अस फॉर अ ग्लोबल आइडेंटिटी। Join us to develop modern yet conventional personalities. Join us to become leaders in different walks of human life. DPS is special because we have a child-centric approach to studies. We are the most sensitive, responsive and responsible CBSE school. We believe in the blend of conventional orientalism. We develop the qualities of benevolence, trust, tolerance, integrity, compassion to our students. You are welcome to seek admissions in DPS Baramulla. Thank you.